प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। ये साल काफी अहम है क्योंकि इस साल कई कार्यक्रम किए गए। आजादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव मनाया गया है उसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम हुए और अब हर घर तिरंगा अभियान भी मनाया जा रहा है। 75 साल पूरे होने की खुशी में अब हर घर तिरंगा अभियान तो मनाया जा रहा है, लेकिन अब इस हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई विवाद भी शुरू हो गया है, कई टिप्पणियां भी देखने को मिल रही है। अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए जहां बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, और अब जिस तरह से बयानबाजियों का दौर तेज है उसको देखते हुए अब ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या देश के तिरंगे का सम्मान राजनीति से बड़ा है या छोटा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं अब ये कई सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 15 अगस्त पर देश में कौन तिरंगा फहराएगा और कौन नहीं, किसने अभी तक तिरंगा फहराया और अब तक क्यों नहीं फहराया। तो कई तरह के विवादित टिप्पणियां सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही चलता रहता है राजनीति में, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अभी तक देखने को मिली है उससे ये तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इतना भी साफ हो गया है कि राजनीति चरम पर है। किसी भी मुद्दे को पक्ष और विपक्ष नहीं बख्शते हैं, वो चाहे राष्ट्रीय ध्वज ही क्यों ना हो, जिसका सम्मान सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है, लेकिन अब उसको लेकर भी बयानबाजी सामने देखने को मिल रही है, जहां अखिलेश का बयान भी सामने आया है, साथ ही साथ राहुल गांधी का बयान भी सामने आया, जहां राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी ने आज तक कभी तिरंगा नहीं फहराया, 52 सालों में तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन अब वो तिरंगा फहरा रहे, हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। सपा प्रमुख का भी बयान सामने आता है और सपा प्रमुख भी कई आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, और इन आरोपों के मद्देनजर जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे उनको देखते हुए मोहन भागवत का बयान भी सामने आया। तो इन्हीं सब बयान को पहले तो हम आपको सुनाते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने तिरंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था, लेकिन आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उनसे देखा नहीं जा रहा और इसीलिए दंगे की याद आ रही है। लेकिन तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता यही जीवित का गंतव्य था, संघ में दूसरा क्या हो सकता। सभी के बयान सुन लिया और इस पे चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़ चुके हैं, सपा से हमारे साथ नितेंद्र यादव जी, और कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता प्रदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो सबसे पहले तो मैं पवन श्रीवास्तव जी आपसे जुड़ना चाहूंगी, जिस तरह से राष्ट्र ध्वज सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, सर्वोपरि होता है, उसका एक अलग ही स्थान होता है हर देशवासी के मन में, लेकिन जिस तरह
से ये बयानबाजी आ रही है कि बीजेपी ने अभी तक तिरंगा नहीं फहराया, अब हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी आ रही है, तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या बयानबाजी राष्ट्र ध्वज के लिए सही है? देखिए शिखा जी, राष्ट्र ध्वज राष्ट्र प्रेम भारत के आत्मा में बसी हुई, हृदय में बसा हुआ है, लोगों के बीच बसा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ की जो राजनीति है, ये राजनीति विकास के रास्ते पे न चल करके, दूसरों की कमियाँ देख करके, उसमें कमियाँ निकाल करके वो आग्रसित करते हैं कि लोग उस पे लड़ना शुरू करें। हमारे यहाँ विकास की बातें नहीं करते। अखिलेश जी के बयान हमने देखा सुना, दंगे की बात करते हैं, जहाँ राष्ट्रध्वज की बात आती है वहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी के कहने से ही अगर दंगा भड़क जाए जी, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है अभी हमारे सपा के नेता जी, प्रवक्ता जी बैठे हैं, वो हो सकता है वो भड़क जाए, भाई उनके अखिलेश जी ने कहा है, वो कह दें कि जो है तिरंगा इधर से उधर, दुनिया की बातें क्षेत्र में जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके लोग तवज्जो देते हैं अपने नेता के बातों को जी। चाहे भाजपा के लोग हों तो आदित्यनाथ जी या मोदी जी की बातों को रखते हैं, अगर समाजवादी पार्टी है तो अखिलेश की बातों को तवज्जो देते हैं कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को संयम बरतना चाहिए, अपने भाषा पे, अपनी शैली पे, विकास पे ध्यान देना चाहिए। तिरंगा यात्रा है, नो डाउट, हम लोगों को देश प्रेम है, आज से नहीं है। तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तिरंगा घर पे लगाएंगे तो राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, ये भी सच्चाई है। हमारे आपके हृदय में पहले से बसा हुआ है, जन्म जन्मांतर बसा हुआ है, उसको दिखाने की आवश्यकता इतना रैली और घर घर खर्चे जो भी है, बजट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे लगना चाहिए, अब ये सब बातें इनकी हो सकती है, लेकिन उसमें जो दंगाई शब्द इस्तेमाल किया अखिलेश ने, ये उचित नहीं है। और ख़ास करके इसे सीख लेना चाहिए कि कम से कम अगर राष्ट्र भावना इसे जागृत हो रही है, अगर घर घर लोग लगा रहे हैं, राष्ट्र भावना जागृत हो रही, ठीक है, विकास योजनाएँ हो रही हैं, आप पिछला 30 साल उठा के देख लीजिए, वो काम नहीं हुआ है जो इधर 5-10 साल में हुआ है, ये भी देखना चाहिए। हमारे आपके समय का था, शिक्षा का, जब समय देखेंगे आप तो हम आप अगर बचपन की बात करें, जब हम आप स्कूल में जाते थे, प्राइमरी स्कूल चाहे मिडिल स्कूल की बात अगर हम लोग उस समय करें, तो हम लोग की कमर की पानी तो नहीं होती थी, लेकिन जो पैंट हम लोग पहने रहे थे वो भीग जाता था। उस सड़क पे अगर हम लोग सड़क मार्ग पे चलते थे तो गांठ तक पानी आता था, इसको नहीं भूलना होगा। विद्यालय में जाते थे तो वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, इसको ध्यान में रखना होगा। ये जो 5-10 साल में हुआ, इसकी बात करनी चाहिए कि हाँ चलिए अच्छा हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे माताएँ हों या बहनें हों, आप बचपन में शिखा जी याद करिए, और हमारे जितने बंधु बैठे हुए प्रवक्ता महोदय, ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकी माताएं बहनें, हमारी माताएं महते, इनकी माताएं बहनें, ये सब जब सुबह भोजन कर लेती थी तो रात दिन में भोजन नहीं करती थी, इसलिए कि वो जाएंगी कहाँ, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती थी, खेत खलिहान जाना पड़ता था। आज अगर इस सरकार ने, जिस भी सरकार ने इस योजना को लाया है, घर घर शौचालय का निर्माण कराया है, उसकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी माताएँ बहनें चूल्हा फूंकती थी, आंख से आंसू निकल आता था, लोगों को लगता था प्रेम प्रेम ये उस रोटी का था जी। अभी बोलिएगा तिवारी जी, बोलिएगा, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, सभी को मिलेगा, लेकिन उसको ध्यान देना होगा। वो कांग्रेस ने किया, भाजपा ने किया, सपा ने किया या बसपा ने किया, जिसने भी किया उसकी तारीफ करनी चाहिए जी। आज घर घर जी, बिल्कुल बिल्कुल सिखा जी। नितेंद्र जी, ये बयान सामने आया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी उससे दंगे भड़काए जाएंगे। पहली बात तो हमें इसका जवाब चाहेंगे कि आखिर इसके कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों तिरंगे से दंगे को जोड़ा जा रहा है? और जैसा जिसका इतिहास रहा होता है, हम अनुमान उससे करते हैं, उससे लगाते हैं। आपको याद है इस देश में जब संविधान सभा का गठन हुआ और देश में तिरंगे का राष्ट्रध्वज की मान्यता मिली, उस दिन तक और उस दिन से लेकर 2002 तक लगातार जिस तरीके से राष्ट्रध्वज का भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वजों के द्वारा अपमान किया गया, ये किसी ने छुपा नहीं है। इनका जो ऑर्गेनाइजर मुख्य पत्र होता है उस पर 14 अगस्त 1947 को यह छपा है,
शीर्षक था मिस्ट्री बिहाइंड द फगवा, शीर्षक था उस लेख का। उसमें जिस तरीके से कहा गया कि ये लोग जो भाग्य के बल पर सत्ता पर आ गए हैं उनको, विवेक जी आपका नंबर आएगा, अभी तो पहले ही राउंड है भाई, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी बोल लेने दीजिए, आपका नंबर आ रहा है आप बोलिएगा। तो उस पर बाकायदा इन्होंने जिस तरीके से लिखा कि जो लोग भाग्य के दम पर आज सत्ता पर आ गए हैं, इन्होंने आज तिरंगे को भले ही देश के राष्ट्रीय ध्वज बना लिया होगा, लेकिन हम लोगों से तात्पर्य इन्होंने बाकायदा जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको कहा, इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी ये भारत में अस्तित्व में नहीं आएगा। इसके बाद में इसके तीन रंगों को इन्होंने कहा था ये अशुभ है, और इसके बाद में इन्होंने 2001 में एक राष्ट्र प्रेमी युवा दल था उसने इनके नागपुर कार्यालय में तिरंगा झंडा फहरा दिया था, उसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा बाकायदा दर्ज कराया था, जो बाकायदा 2013 में ये लोग बरी हुए थे। इसका मतलब तिरंगा झंडा फहराना इनके लिए कितना पाप रहा है। दूसरी बात, इन्होंने 1992 में जो श्रीनगर के अंदर लाल चौक पे तिरंगे झंडे को लेकर के जिस तरीके से वहां दंगे और जिस तरीके का माहौल पैदा किया, ये आप सबसे छुपाने, और तो रहा अभी इन्होंने जो देखा कठुआ में जिस तरीके से बलात्कारी हुआ था, बलात्कारी के फेवर में ये लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे, इससे ये इतिहास। इसके अलावा 1994 में आप कर्नाटक के अंदर हुबली में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा को लेकर इन लोगों ने जिस तरीके से कृत्य किए हैं और जिस उस तिरंगा यात्रा के नाम पर जिस तरीके से पूर्व में दंगे हुए हैं, उसका चूंकि संदर्भ इसमें लिया गया है। समाजवादी पार्टी सदैव तिरंगे को अपने दिल में रखती है, भारत का आन मान शान मानती है, और हम तिरंगा यात्रा का या तिरंगा लगाने का कतई कोई समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही, हम लोग चाहते हैं सब लोग सम्मान करें, लेकिन इन्होंने जो तिरंगा एक था अधिनियम था उसको भी बदल दिया इन्होंने, और उसमें एक नया जो आपने इतिहास बताया है नितेंद्र जी, उसके बारे में तो हम सवाल करेंगे बीजेपी से, लेकिन जो मेरा मेन सवाल था कि दंगे को क्यों जोड़ दिया है, दंगे को जोड़ा नहीं है। अगर कुछ अच्छा काम किया जा रहा है देश भक्ति में, देश हित में, तो उसका समर्थन करना चाहिए विपक्ष को भी एकजुट होकर, लेकिन यहाँ पे कह दिया जा रहा है अखिलेश द्वारा कि इससे दंगे करे जाएंगे, दंगे भड़काए जाएंगे। अरे भाई इतिहास बता रहा है ना आपका कि आप लगातार क्या करते आए हैं जी, तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि मैं तो अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और इस देश की सरकार से कि आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश इस अमृत महोत्सव में साथ है, बल्कि इसकी डेट हमने 9 अगस्त चुनी है, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लगातार प्रत्येक भारतवासी के सीने में, चूंकि 9 अगस्त वो दिन है जिस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में दिया गया था, और उस समय जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर पंडित इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का विरोध किया था और अंग्रेजी वायसराय को जब पत्र लिख करके कहा था कि इस आंदोलन को जबरदस्त कुचला जाना चाहिए, सख्ती से कुचला जाना चाहिए, और ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के 1942 में बंगाल में सरकार चला रहे थे, तो ये आजादी के इस आंदोलन के खिलाफ थे, तिरंगा के तो सदैव खिलाफ रहे। तो हम सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सब लोग देश के भारतीय ध्वज को गले लगाएंगे, अपने घरों में फहराएंगे, उसका सम्मान करेंगे, और सबको करना चाहिए, लेकिन देश में अमन चैन भी बना रहे इसकी अपील करना चाहता हूँ। और यही अपील आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की है और उसे शंका व्यक्त की है जिस तरीके से इन्होंने पहले बाकी सबको भी समय देना जरूरी है, जिस तरह से विवेक जी आरोप लगे हैं सपा की तरफ से, इसका जवाब पहले तो हम चाहेंगे। जी नितेंद्र जी, ये तथ्य सब कहां से लेके आते हैं ये बेहतर वो बता सकते हैं। जहां तक संघ का विषय है, हम इसको सहज स्वीकार करते हैं कि संघ हमारा मातृ संगठन है और हम सब संघ की शाखाओं में जाते, संघ की शाखाओं से ही निकले हैं। ये अखिलेश यादव जी की उस बात का जवाब है जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक राजनीतिक इकाई है, मैंने उसका स्पष्ट जवाब दे दिया जी। दूसरा जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य है, जो इनका वक्तव्य है, स्वयं पूजनीय सह संचालक मोहन भागवत जी ने उसका जवाब दिया कि 1931 में जब स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के अधिवेशन में पास हुआ था तो उस पर तिरंगे को सम्मानित करने के लिए बकायदा सर्कुलर जारी हुआ था, कांग्रेस का अभिनंदन किया गया था,
संघ की शाखाओं में, तो अब उसके बाद इस तरह की चर्चाएं मिथ्या हो जाती, जिस तरह की चर्चाएं हमारे मित्र नितेन जी कर रहे हैं या अखिलेश जी ने किया या राहुल जी ने किया। विषय देश की आज़ादी के 75वें वर्ष का है जी। और जिस तरह लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, एक परिवार विशेष के आवरण में उस पूरी आज़ादी को मढ़ करके जिस तरह से उनके बलिदान को भुलाया गया या भूलने पे देश को मजबूर किया गया, आज इस अमृत वर्ष में भारत सरकार की तरफ से सूचना विभाग ने जिले जिले सूचना विभाग के कर्मचारियों के दौरे तय करा करके वहाँ जो भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो विस्मित हो चुके थे समाज के लोगों के द्वारा, उनकी जीवनी को खंगाल करके अपने गजट में प्रकाशित करवाने का कार्य किया और उनके भी त्याग तपस्या बलिदान को राष्ट्र के सामने लाने का कार्य किया है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से लेकर के 15 अगस्त तक जी। लोगों से अपेक्षा की गई कि आप अपने अपने घरों पे राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है जी। और उस ध्वज के साथ दंगे जैसा शब्द का प्रयोग जिस तरह से अखिलेश जी ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है ये काफी अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन विपक्ष द्वारा सवाल तो खड़े किए जाएंगे विवेक जी, क्योंकि अभी तक आप तिरंगा नहीं फहराते थे, अब आप पूरे देश को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराती थी? ये तो विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है ट्वीट करके कि 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया और अब ये कार्यक्रम 1931 का हवाला मोहन भागवत जी ने दिया है। अब इसके आगे राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ है? जो लोग ये कह रहे हैं कि 52 साल तक संघ के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जब स्वयं सरसंघचालक बता रहे हैं कि किस तरह से हेडगेवार जी के समय में सर्कुलर जारी हुआ संघ की शाखाओं में कांग्रेस के इस प्रस्ताव के अभिनंदन का, तिरंगे के अभिनंदन का, तो अब इस विषय पर चर्चा का विषय क्या बचता है? विषय ये है कि जिस तरह से विपक्ष, जैसे एक शादी में फूफा नहीं गुस्सा हो जाते हैं, तो उस तरह के जो आचरण पे फूफा वाला जो आचरण विपक्ष कर रहा है, अरे इन्हें सहजता से इस राष्ट्र की इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, अपनी सहभागिता देनी चाहिए, रचनात्मक रूप से इसमें सहयोग करना चाहिए। तो अपनी सहभागिता दे रहा है, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा है बीजेपी पे, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक चलिए मान लिया कि 52 साल में तिरंगा नहीं फहराया बीजेपी ने या फिर संगठन ने, लेकिन अगर अब इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसका विरोध क्यों? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है जी। राहुल जी ने जो यथार्थ सत्य है उस सत्य से अवगत कराया है कि ये वही आरएसएस है जो जिसके लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, जो नहीं चाहते थे कि भारत देश आजाद हो, हम लोग आजादी में सांस लें। और 52 साल की जो बात उन्होंने लिखी अपने ट्वीट में, तो ये सत्य है कि संघ के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, इसमें कोई किसी चीज का किसी को कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। मोहन भागवत जी ने भी इस चीज से इनकार नहीं किया है कि हमारे यहाँ फहराया गया, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी आज आवाहन कर रहे हैं पूरे देश की जनता से, उसी में मोहन भागवत और आरएसएस के बड़े बड़े नेता आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी लोग अपनी डीपी चेंज कर लें, क्या मोहन भागवत जी ने अपनी डीपी चेंज कर ली? क्या आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी डीपी चेंज कर ली? नहीं चेंज करी, क्योंकि उनको उस तिरंगे से प्यार ही नहीं है जिसके लिए इस देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दे दी। इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी, और इस देश के हर एक स्वतंत्रता सेनानी ने लड़ाई लड़ी है देश को आजाद कराने के लिए, तो उसका मोल वो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग नहीं समझ सकेंगे। दूसरी चीज, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो थे वो बोल रहे थे कि पिछले 8 सालों में ये हेलो जी आप पिछले 8 सालों में जैसे कि वो बता रहे थे कि रसोई गैस बट्टी उज्ज्वला योजना के माध्यम से, वही संसद में डेटा देते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा संख्या है जो दोबारा रिफिल नहीं करवाया लोगों ने।
आठ सालों में क्या क्या हुआ ये इनको भी मालूम है कि कभी एक गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए से ऊपर नहीं गया था, वो 8 सालों में 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया। बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं थी, वो 8 सालों में पहुंच गई इतनी ज्यादा बेरोजगारी। इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी, वो 8 सालों में महंगाई बढ़ाने का काम किया। पेट्रोल डीजल का दाम कभी 100 रुपए तक नहीं गया था, 8 सालों में पेट्रोल डीजल का दाम आपने 100 रुपए तक पहुंचाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अपनी नाकामियों को धर्म के पर्दे से ढकने का काम करती है। नहीं धर्म का पर्दा होगा तो राष्ट्र के नाम का पर्दा ऐसा कुछ डाल दिया जाएगा जिससे कि उनकी नाकामियों पे कोई सवाल ना कर सके। अब अच्छी पहल है, लगाना चाहिए, वैसे भी लोग लगाते थे। हर जो इस देश का नागरिक है वो अपने देश से प्यार करता है, इस तिरंगे से प्यार करता है, वो वैसे भी अपने यहाँ लगा। हम लोग तो इसको उत्सव के तरीके से मनाते थे, बचपन में भी हमने उत्सव के तरीके से मनाया है जब हम स्कूल जाते थे, और आज भी आजादी का उत्सव मनाते हैं और तिरंगा लगा, तब भी तिरंगा को देख करके बड़ी खुशी होती थी स्कूल जाते वक्त, और आज भी लगाते हैं तिरंगा। उसमें कुछ नया नहीं किया है। हाँ, एक आवाहन है, ठीक है, अच्छा है, मगर आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे नाकामी छुपाने की काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि कोई आज की डेट में महंगाई के ऊपर सवाल ना करे, आप चाहते हो कि कोई देश का बेरोजगारी के ऊपर सवाल ना करे। आपने गैस सिलेंडर को इतना महंगा कर दिया, उसके ऊपर कोई सवाल ना करे। पेट्रोल डीजल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा, उसके ऊपर कोई सवाल ना करे। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम करती है तो वो निश्चित ही उसके पीछे उसकी कोई नाकामी जरूर होती है जिसको छुपाने का काम कर रही होती है। तो उसपे कांग्रेस पार्टी जरूर प्रश्न उठाती है कि आप क्या चाहते हैं, कि इस देश की जनता को आप कितना बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं देश की जनता को। हर चीज को आप धर्म के चोले से ढक देंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया तो अमित शाह जी, इनके जो इस समय के गृह मंत्री हैं, वो उसको कहां से कहां जोड़ देते हैं। तो देखना पड़ेगा, अब देश की जनता भी समझ रही है कि आप अपनी नाकामियों को कैसे छुपाने का काम करते हैं। जी पवन जी, कांग्रेस का बयान आपने सुना और सभी का बयान भी सुन लिया है, और सीधे तौर पे प्रदीप जी ने कहा है कि नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके के उत्सव किए जाते हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जितने भी हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये केवल अपनी पार्टी की ऊंची ऊंची बातें करने के लिए बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रदीप जी बताएं, कांग्रेस ने कब धरना प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में? इनकी पार्टी ने क्या किया? महंगाई की बात चिल्लाते हैं यहाँ बैठ करके? आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आपकी कांग्रेस पार्टी ने, आपके कांग्रेस पार्टी ने कौन सा धरना प्रदर्शन किया बेरोजगारी को लेकर के? महंगाई, सुनिए सुनिए सुनिए, यही रोड पे उतर के आपका विरोध करती है, सुनिए, प्रदीप का विरोध करती है। प्रदीप जी सुनिए, आपके मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर उनकी हत्या कर दी जाती है, तब कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करती है। कांग्रेस पार्टी की आप बात करते, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आपकी नीतियों के खिलाफ रहेगी, जो इस देश के लोगों के खिलाफ होंगी। अगर ऐसी कोई नीति लेकर के आप आएंगे, चाहे वो किसान विरोधी हो, चाहे वो बेरोजगारों के लिए विरोध करने वाली हो, हम हमेशा उसके खिलाफ। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, आप बहुत अच्छे नजर आएंगे, सुनिए, अच्छे प्रवक्ता जी हैं आप, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पिछली 5 साल सरकार हो गई, इधर की 6 महीने की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी के, इस सरकार में उत्तर प्रदेश से आपने कब धरना प्रदर्शन किया है? महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कब धरना, कब सड़क पे आ पाए हैं, कब आपके राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश की सड़क पे आए हैं? इतनी चीजें आपको गिना रहा हूँ, कुछ नहीं गिना रहे हैं आप। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आप लोग केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, आप लोग सुनिए सुनिए, आप लोग केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, सच्चाई कड़वी होती है, कमियां आप करेंगे तभी कड़वी होती है। अगर अमृत महोत्सव से मनाया जा रहा है, अगर अमृत महोत्सव से मनाया जा रहा है, भारत को आजाद हुए 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है, आपके मंत्री के बेटे ने हमारे नेता पहले कह दिया कि हम सीबीआई से डरने वाले आप ऐसे आरोप मत लगाइए कि ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप जनता के साथ कितना, आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए ये भाजपा के लोग, ये भाजपा के लोग समझेंगे, सपा के लोग। वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी आता है और उसमें शामिल होता है, वहाँ पे ईडी सीबीआई नहीं लगती है। आपने किस किस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज दबाने का काम करते हैं, ये आज की डेट में इस देश की जनता और इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक समझ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर, काहे नहीं सीबीआई चल रही है? रॉबर्ट वाड्रा याद है सर? नहीं याद है आपको? रॉबर्ट वाड्रा जी याद है आपको? काहे नहीं उनके ऊपर चल रही है सर कार्रवाई? अगर बीजेपी यही करती, मुझसे पूछ रहे हैं आप, आपसे ही पूछ रहे हैं सर। नहीं तो आप क्या मिला? आपने बुला बुला कर संबंध नहीं, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। बुला बुला करके आपने संबंध दे दे करके परेशान करने का, बहुत दबाव बनाने का कोशिश किया, कर नहीं पाए ना क्या? कर नहीं पाए ना क्या? मेरी बात वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत नहीं थे, वही मैं कह रहा हूँ, गलत नहीं, कार्रवाई नहीं। इतना आपको परेशान करना है कर लीजिए। आप चाहते हैं कि परेशान करके वो करके बैठ करके महंगाई का विरोध नहीं करेंगे, वो आप क्या करेंगे कि सारे जनता का पैसा के नाम पर अपने व्यापारी मित्रों के जेब में डालने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी का विरोध ना करें? हाथ जोड़ के निवेदन है, इस आजादी के जश्न को मनाइए आप सभी लोग। आप लोग दंगा फसाद की चर्चा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत नहीं है, इस देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक और भारतीय जनता पार्टी जब नहीं होगी उसके बाद भी आजादी का उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है विवेक जी, अपनी बात रखिए, फिर हम मुद्दे पे लौटते हैं क्योंकि यहाँ पे मुद्दा ईडी और जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी का, वो हमने नहीं उठाया, हमने तिरंगा उसके मान सम्मान की बात उठाई। विवेक जी अपनी बात रखिए। देखिए शिखा जी, विषय आजादी के अमृत महोत्सव पे तिरंगे के सम्मान की है। विपक्ष के मित्र जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे हैं, महंगाई, गैस सिलेंडर का दाम, तमाम विषय है जी। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती तो उसमें इन्हीं के प्रदेशों के वित्त मंत्री इन सारे विषयों पर मौन समर्थन देते हैं। सबको जीएसटी का टैक्स अच्छा लगता है, सारी राज्य सरकारों की, मैं कोई ये नहीं कहता कि नहीं इनको लगता, हमारे राज्य सरकारों को नहीं लगता जी। कोई भी डीजल पेट्रोल को या पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना नहीं चाहता, सारे राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। और लेकिन क्या भाजपा को नहीं लगता कि महंगाई बढ़ रही है और नियंत्रण करना चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए, महंगाई पे तो सरकार भी चिंतित है, अगर सरकार ना चिंतित होती तो सदन में इस पर चर्चा का औचित्य क्या था जी? तो सदन में भी चर्चा हुई, लेकिन जब वहाँ चर्चा होगी, जहाँ गंभीर, जहाँ इसके परिणाम निकल सकते हैं, वहाँ से विपक्ष के सांसद पलायन कर जाएंगे। और जब चर्चा इतने महत्वपूर्ण विषयों पर रहेगी, बोलता है तो बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, क्या उनके घरों में समस्याएं नहीं आ रही महंगाई से? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि महंगाई एक मुद्दा, महंगाई से सब चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, और इसमें सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए, सरकार इसमें करेगी भी। जीएसटी काउंसिल में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, जहाँ से चर्चा से भागते हैं, सदन में चर्चा से भागते हैं, देश महंगाई से जूझ रहा है, ये जाकर के कहते हैं साहब ईडी का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ देश महंगाई से परेशान है, यहाँ अभी आपके टीवी के सामने कह रहे हैं साहब महंगाई, वहाँ जा करेंगे साहब ईडी हटा लो, ईडी हटा लो। तो ये समस्या, ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, कांग्रेस ने जो भी तिरंगा यात्रा महंगाई का माँ बोलना नहीं जा रहा है आजकल, उसका उसका उन्होंने बहिष्कार किया, को महंगाई का माँ नहीं समझ में आ रहा है, इस देश की साख गिरती जा रही है, जैसे रुपया गिरता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं चर्चा कर, ये क्यों प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाते हैं वहाँ तक? भाई प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उसकी साख गिरती जाती है, आज देश का रुपया कहाँ से कहाँ पहुँच गया? इस साख को गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है? जिस विषय पर चर्चा हो रही प्रदीप जी, उसका तो जवाब ले लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हाँ हम सब महंगाई से चिंतित है, आप तो चर्चा से भाग जाते हैं। जीएसटी काउंसिल में आपके, जीएसटी काउंसिल में आपके प्रदेश के वित्त मंत्रियों के बोल रहे हैं, जीएसटी काउंसिल में आपके प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ में और मंत्रियों के साथ में बैठक हुई है, निर्मला सीतारमण जी के साथ में जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, उसको कहिए कर दे, आम कर दे, उसको डाल दे, कहीं पे डाल करवा दे, सोशल साइट पे लोग देख ले कि कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था कि नहीं किया था। कोई विरोध नहीं किया था, आप एकदम तो एक मैं कह तो रहा हूँ उस मीटिंग का जो वीडियो है में आप बोलते नहीं, कर देना चाहिए पार्लियामेंट में बाहर से भाग जाते हैं। प्रदीप जी एक सवाल का
जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से आप जनता का मुद्दा उठा रहे, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या ये सच में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है या फिर जो ईडी की कार्यवाही हो रही है उसको देखते हुए सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश है? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, हम तो रोज इसमें चर्चा करते ही हैं। इसका कोरिलेशन है जी, इसका कोरिलेशन है, आपको समझना पड़ेगा कि जब राहुल गांधी जी मुखर होकर के बीजेपी की नीतियों का वो बेरोजगारी पे बात करते हैं, जो आप जांच और सवाल जवाब शुरू हुए तभी के मुद्दे उठाए, अभी तक क्यों नहीं उठाया जा रहा था? विपक्ष का मुद्दे पहले तो उठाए थे, आप समझिए ना, सेना में जिस तरीके से भर्ती को लेकर के बात हुई उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने कहा कि 4 साल के अग्निवीर क्या होते हैं भाई, राहुल गांधी जमानत में पिछले 4 साल से चल रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन की, राहुल गांधी प्रदीप जी पिछले 4 साल से जमानत में चल रहे हैं की बात हुई उस पे राहुल गांधी जी ने विरोध किया, सोनिया गांधी 4 साल से जमानत पे चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोध हजम ही नहीं होता, कर लिया, बुला रही है जांच में, जा नहीं रहे हैं। 4 साल की जमानत हो जाती है सर आपकी बीजेपी सरकार में? आपने अभी कहा कि 4 साल से राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपकी बीजेपी सरकार यही करती है सर, मतलब आपकी बीजेपी सरकार 4 साल की जमानत दे देती है लोगों को, यहाँ पे तो हमारे यहाँ 1 महीने की जमानत नहीं मिल पाती सर, 1 हफ्ते की नहीं मिल पाती मेरी बात आप। अगर नहीं, आपने कहा अभी कहा सर, आपने अभी कहा कि 4 साल की जमानत राहुल गांधी जी को मिला है, 4 साल से जमानत पे चल रहे हैं अनरिगार्डिंग, आप अभी सुनिएगा, सभी लोग सुन रहे हैं, बीजेपी बहुत काम कर रही है, ध्यान दीजिएगा, बीजेपी इतना काम कर रही है कि लोगों को, आम जनता को काम चोर बना रही है, निःशुल्क भोजन बांट करके, निःशुल्क कितना चाहिए ले लो, खाने को मिल जाए, काम ना करना पड़े, इस सच्चाई को आप जनता को वोट पाने के लिए कुछ भी करेंगे आप? नहीं नहीं, आप विषय, आप कुछ भी विषय नहीं चेंज कर रहा हूँ, आप चर्चा करिए, आप कहना क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि एक और लोग भी जी कि बीजेपी की सरकार, देखिए आप बीजेपी की सरकार है, आप वोट पाने के लिए, अभी आप जमानत वाले विषय कुछ कह रहे थे, जमानत पे आपने क्या क्या कहना चाह रहे हैं, जमानत पे आपने कहा कि 4 साल से राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं, ठीक है, क्या कहना, सोनिया गांधी 4 साल से बिल्कुल बिल्कुल जमानत पे चल रहे, 4 साल का समय आपके यहाँ मिल जाता है सर? हमारे यहाँ थोड़ी मिलता, अदालत से पब्लिक को तो नहीं मिलता है सर, आप विषय नहीं समझ पाए, अदालत से जमानत पे है, भाजपा थोड़ी जमानत देती है, नेशनल हेराल्ड मुकदमे में इसमें अदालत ने इनको बेल दे रखी है, अदालत ने दे रखी है, किस मामले में है सर, नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे है सोनिया गांधी राहुल गांधी, प्रदीप जी पूछ लीजिए, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, उसी मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज करके पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, पूछ लीजिए, पिछली सरकार तो पिछली सरकार के समय जमानत में, पूछ लीजिए, लगभग 4 साल से जमानत में, इससे कम जमानत नहीं है बिल्कुल। देखिए अगर बात करें कांग्रेस की या फिर भाजपा की, दोनों ही अपने अपने मुद्दों को, जिनको जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको छुपाने के लिए ना बीजेपी उत्सव मना रही है, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, क्या बात कह रहा हूँ इसमें जी। विवेक जी मुद्दे पे लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी और ये जो महंगाई का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, ना प्रधानमंत्री उस मुद्दे को उठाते हैं, और अगर कांग्रेस उठा रही है तो ईडी जी की, ईडी को लेके उठा रही है, क्योंकि ईडी की जांच पे लेके, जी देखिए महंगाई मुद्दा है, ठीक जी, ठीक है, लेकिन हम आज तिरंगे को लेके बात कर रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी सामने आई वो बिल्कुल भी सही नहीं, और इसमें भी चर्चा बहुत जरूरी है। नितेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, आपने कई बातें कही थी कि भाजपा का इतिहास, अगर सपा के इतिहास पे बात करें तो जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि माफी मांगनी चाहिए अखिलेश को कि इस तरह का बयान दिया है, और सपा के कार्यकाल को अखिलेश याद करे कि उस वक्त दंगे होते थे, इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सच कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जिनको दंगा, जिनके जीवन का हिस्सा है, इनके जीवन का बिल्कुल हिस्सा है, जब इनको कोई मुद्दा न मिले, जब समाज में शांति व्यवस्था कायम हो, जब सामाजिक सौहार्द हो, जब आपसी भाईचारा कायम हो, तो ये दंगों की बात लेकर के आते हैं। लेकिन मैं ये बयान तो अखिलेश यादव ने दिया है ना, और सब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, वो अपने कार्यकाल को याद करें, सभा के कार्यकाल में बहुत दंगे होते थे। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बाबा मेड़े, राष्ट्र प्रेमी युवा दल के साथी बाबा मेड़े, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी पर 2001 पर आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराने को लेकर मुकदमा किया गया था, ये क्यों किया गया था? बाबा मेड़े एक युवा थे जी। रमेश कलंबे युवा था, दिलीप चटवानी युवा था, जिसने 2001 में
आरएसएस मुख्यालय पे 25 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराने का अपराध किया था, जिसको लेकर के आरएसएस मुख्यालय और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा कायम कराया था, जिनको 2013 में बाइज्जत बरी किया गया है। मैं पूछता हूं, ये किस बात पर मुकदमा किया गया था? ये लोग सिर्फ तिरंगा फहरा रहे थे ना जी, तो तिरंगा फहराना तब 2002 तक अपराध था। मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पहली बार अपने मुख्यालय में कब तिरंगा झंडा फहराया था, जरा इसका जवाब दे दे। और कई बार, एक बार नहीं, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शंका व्यक्त की है, ये नहीं कहा है कि दंगा करा रहे हैं, इन्होंने कहा ये इसकी आड़ में दंगा कराकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इसको भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसको सुधारें और ऐसा हमें गलत साबित करें, ऐसा ना हो। मैं तो कह रहा हूं, पहले भी आपने 92 में श्रीनगर में लाल चौक में दंगा कराया था तिरंगा यात्रा के नाम पर, आपने 94 कर्नाटक के हुबली में तिरंगा यात्रा लेकर के आपने दंगा कराया है, तो आज मैं उस बात को। दूसरा, आपने तिरंगा एक्ट में परिवर्तन क्यों किया? ये जो 20 मिलियन टन अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में पॉलिस्टर बन रहा है, इस पॉलिस्टर को खपाने के लिए आपने पॉलिस्टर का झंडा, खादी का अपमान क्यों, देश का अपमान क्यों, तिरंगे का अपमान क्यों? क्या खादी का झंडा नहीं बना सकते थे? और इस झंडे की बिक्री क्यों जी? भारत सरकार 35-35 रुपए में तमाम शिक्षकों को, विद्यालय के टीचरों को, प्रधानाचार्यों को, स्टूडेंट को 35-35 रुपए में सरकारी झंडा खरीदने के लिए पॉलिस्टर वाला बाध्य क्यों किया जा रहा है? लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाता, लोग कपड़े का झंडा बनाते, खादी का बनाते और सम्मान से झंडा लगाते, तो ये झंडे का एक तरीके से अपमान किया जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है पॉलिस्टर का झंडा बनाकर अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। मेरे दो सवालों का जवाब विवेक जी देंगे कि पहली बार नागपुर मुख्यालय से लेकर आरएसएस के सभी दफ्तरों में कब झंडा फहराया गया और बाबा मेढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी के ऊपर मुकदमा क्यों फहरा किया गया था? ये मुझसे कह रहे थे कि कहां कहां से ले, मैं लेके आता हूं। जी विवेक जी, जवाब दीजिए, क्योंकि काजल हिंदू मुस्लिम दंगे का जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया था और कई दंगों का जिक्र नितेंद्र जी भी कर चुके हैं। देखिए, दो बार इन्होंने लाल चौक का नाम लिया जी। लाल चौक पे हमने तिरंगा लहराया, हमें इस पे गर्व है। इन्हें अगर इस पे शर्म आती हो तो ये कहें कि हाँ, हम लाल चौक पे तिरंगा लहराने पे शर्मिंदा हैं। हमने जिन परिस्थितियों में लाल चौक पे तिरंगा लहराया था, डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा वहाँ गई थी, और उस समय स्थिति ये थी कि लाल चौक पर तिरंगा तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ अगर आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते थे तो उधर से गोलियाँ चल जाती थी आतंकवादियों की तरफ से। उन परिस्थितियों में हमने वहाँ तिरंगा लहराने का साहस किया था और उस साहस को हमारे पूरे देश के लोगों ने सलाम किया था। अगर समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है तो ये कहें कि हाँ, तिरंगे लहराने पर शर्मिंदा। एक बात का जवाब दिया ना, दूसरा भी दे रहा। आप पहली बार कब तिरंगा लगाया गया? 1931 से भारतीय जनता पार्टी ने, अभी मोहन भागवत जी ने बताया कि 1931 में संघ की शाखाओं में तिरंगे का सम्मान हो चुका है, कांग्रेस के उस प्रस्ताव का अभिनंदन हो चुका है। 1931 में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। सुन लीजिए पूरी बात। 1931 में भारत आजाद नहीं था और तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, वो आजादी के आंदोलन का प्रतीक था। उस समय चरखा होता था तिरंगे पर, अशोक चक्र नहीं होता था। आपका अशोक चक्र का अपमान किया है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी है, सारे कार्यालयों में भाजपा के ध्वजारोहण होता है। आप जिस तथ्य को लेकर के बैठे हुए हैं, ये विषय आज की चर्चा का नहीं है। आपको राष्ट्र के इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। आप मैं शामिल हूँ, पूरा देश शामिल है। रुक जाइए मैं शामिल हूँ, पूरा देश शामिल है। आप 9 अगस्त से खादी का क्यों नहीं, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक खादी का समाजवादी पूरे देश में अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएंगे। जब शुरू से अभी तक खादी का तिरंगा चला आया है तो उसमें संशोधन, मैं उसी बात कर रहा हूँ। खादी का पॉलिस्टर खपाने का,
खादी का तिरंगा झंडा पहली बात तो इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति करना तत्काल संभव नहीं है। हम एक साल से अमृत महोत्सव मना रहे विवेक जी, और एक साल का समय बहुत था ये सब इंतजाम करने के लिए। मूल्य भी ज्यादा है जी। अगर 2014 में पता था कि 8 साल बाद आजादी का अमृत महोत्सव है, अगर सुन लीजिए, 8 साल पहले भी पता था कि 75वां वर्ष अमृत वर्ष आएगा। बात तो सुन लीजिए दीपेन जी, अगर तिरंगे को जन सामान्य तक पहुंचाना है तो वो कीमत उसकी आपको कम करनी पड़ेगी, जो एक जो हमारे खादी वाले झंडे की होती है। खादी का झंडा महंगा आता है, आप स्वयं जानते हैं, सारे तथ्यों को जानते हैं। इस तरह गुमराह करने वाली बातें अगर आप चैनल पे करेंगे तो आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अरे इतना अच्छा उत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव है, आप भी इसमें शामिल होइए, रचनात्मक सहयोग करिए। सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं घर पे झंडा ला रहा है, इसमें जनता जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर अगर तिरंगा लगाने से कहीं दंगा होता है ये गलत है। मेरी बात को सुन लीजिए, आप ये खुली छूट दे देना चाहिए था। जैसे पहले भी गरीब दुकानदार झंडा बनाते थे, बेचते थे और लोग लगाते थे, इस पर बात होता है। आपको पता नहीं तमाम कॉलेजों में सप्लाई आ चुकी है सरकारी, और उसकी कीमत रखी गई 35 रुपए में। 5-5 झंडे टीचरों खरीदने हैं, बच्चों खरीदने हैं, 35 रुपए ही। आप ये तथ्य बताइए देश को, ऐसा नहीं है। पॉलिस्टर वाला झंडा, आपके तथ्य आधे अधूरे हैं। कारोबार बढ़ जाता है, कहीं 26 रुपए में भी है, कहीं 25 रुपए में भी है, तमाम मूल्यों में ऐसा नहीं है। अलग अलग क्वालिटी के झंडे मिल रहे हैं, लोग सस्ता से उसको ले रहे हैं, अपने अपने घरों पे लगा रहे हैं। ये कोई लकीर नहीं खींची है सरकार ने। सरकार की केवल अपेक्षा सबसे ये है कि इस दौरान अपने अपने घरों पे लोग तिरंगा लगाएं, ये सरकार ने अपेक्षा की है। ये भी बात कार्य नहीं है, देश तिरंगा लगाएगा 9 अगस्त से लगाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो से लगाएगा। लेकिन आप ये बता दो कि बाबा मेढे और रमेश कलंबे को मुकदमा क्यों कराया था आपने तिरंगा लगवाने को? देखिए, वो पहली बात, जिस विषय को बार बार आप कह रहे हो उस मुकदमा तो हमने कराया नहीं था, और उस विषय को अगर आप उस पर चर्चा चाहते हो तो उस पर अलग से डिबेट रख लीजिए, मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा आपको। फिलहाल ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, मान लिया। जिस तरह से भाजपा ये कार्यक्रम कर रही है लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत तो सहयोग नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है, तो इसको लेकर के आप अपना तो कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन पूरे देश को एकजुट करने का जो कार्यक्रम है उसमें आपकी कितनी सहभागिता है? निश्चित रूप से हमारा देश पहले से ही एकजुट है, और 2014 के बाद 15 अगस्त तक हम लोग झंडा फहराएं। मैं जवाब दे दूं। मैं ये कह रहा था कि हमारा देश कहीं टूटा नहीं है, हमारा देश पहले से एकजुट है, बस लोगों के अंदर शंकाएं भरने का काम 2014 के बाद से कुछ बड़े बड़े नेता जो सत्ता में बैठ गए वो करने का काम कर रहे हैं। देश एकजुट था और एकजुट है और एकजुट रहेगा जी। किसी के कहने से वो एकजुट नहीं होने जा रहा है। ये हमारी आपसी भावनाएं हैं, हमारा आपसी उनसे इतना अच्छा मन है कि हमारी उनसे अच्छी पट्टी है, मगर कुछ लोग हैं जो उस अच्छी चीजों को विघ्न बाधा डाल करके खराब करना चाहते हैं। बस उसमें अच्छी अच्छी बातें करवा लो। चाहते तो ये है कि किस तरीके से दंगे हों हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मगर दूसरी तरफ उसको कहते हैं कि एकजुटता बनी रहे। तो कहने से नहीं होता है, आपके अंदर से होना चाहिए कि आप चाहते हैं इस देश के लोग, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, एक रहे। और बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है जी। सपोर्ट करने या ना करने की तो कोई बात ही नहीं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो झंडे को अपने दिल में बसाता है, तिरंगे को अपने दिल में बसाता है। वो उत्सव पहले भी मनाता था आजादी का, और वो आज भी मना रहा है, कल भी आजादी का उत्सव मनाएगा। बिल्कुल, आजादी जिनको अभी अभी लगता है कि आजादी मिली है वो उत्सव मनाए। हम तो पहले से उत्सव मनाते चले आ रहे हैं और उत्सव मनाते हैं और उत्सव मनाते रहेंगे। बाइक रैली नहीं, नहीं बाइक रैली जो निकाली जा रही है भाई, निकालिए, अच्छी बात है, उत्सव में निकालिए। इसके बाद महंगाई के खिलाफ भी बाइक रैली निकालिएगा, इसके बाद देश में बेरोजगारी के खिलाफ भी बाइक रैली निकालिएगा, इसमें देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी एक बाइक रैली निकाल दीजिएगा, किसी तरीके से गैस सिलेंडर के दाम कम हो इसके लिए एक बाइक रैली निकालिएगा। नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कि बाइक रैली निकालना अच्छी चीज है जी। बाइक रैली निकालिए ना, तो देश के ये भी तो मुद्दे है ना, इनके लिए बाइक रैली निकालना जरूरी नहीं है क्या जी?
अगर आप बता दें कि ये मुद्दे नहीं है इस देश के, इनके लिए बाइक रैली या सड़कों पे आना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो क्या सिर्फ एक संगठन के होते हैं या पूरे देश के होते हैं? प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और राष्ट्रपति भी पूरे देश का ही होता है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मगर जब वो प्रधानमंत्री की गरिमा को छोड़ करके पंचायत के चुनाव में जा करके पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने लगता है तो फिर लोगों को संदेह होता है। जब एक प्रधानमंत्री अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता के ऊपर कर पे कर लगाया जाता है, वो उन मुगलों को भी पीछे छोड़ देता है कर लगाने के मामले में। खून चूसने का काम किया जा रहा है आज देश की जनता का। आप समझ नहीं रही, खाने वाला तेल जो 90 रुपए लीटर में बिकता था आज उसको 200 रुपए लीटर तक पहुंचाने का काम कर दिया गया है जी। आप खाली क्या समझते हैं कि आपने गेहूं चावल बांट दिया जनता के लिए, गेहूं चावल का सूखा चबा लेगी? महंगाई और बेरोजगारी पे चले गए, यहां पे हम तिरंगे की बात कर रहे हैं, फिर आप वहीं पे चले गए। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि तिरंगे की, अगर प्रधानमंत्री ने अगर आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए तो सब अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। अगर डीपी बदलने की बात कही है, वैसे भी लोग हर बार यही करते थे, उस दिन तिरंगे रंग के कपड़े भी पहनते थे, अपनी डीपी भी तिरंगेमय करते थे, लेकिन इसको अलग ही नजर आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पहली बार हो रहा है, वही आप भी कह रहे हैं कि पहले भी लोग करते थे तो वही अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें नयापन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया जी। आप चाहते हैं, फिर मैं वही चीज कहूंगा कि आप यही चाहते हैं कि इस चीज पे इतनी चर्चा हो सारी चीजें गौड़ हो जाए उसके आगे, मगर नहीं होगी वो। अगर महंगाई है तो महंगाई की बात होगी, आप किसी चीज के पीछे धर्म के पीछे। हम अपने चैनल पे रोज महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अगर तिरंगे के साथ कोई और शब्द जुड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे विवादित टिप्पणियां आ रही है तो देखिए, अपने निजी विचार है। अगर किसी ने तिरंगे को लेकर के कोई विचार दिए हैं वो उसके निजी विचार हो सकते हैं, मगर मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, इस देश में, भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के दिल में तिरंगा बसता है, वो तिरंगे का सम्मान करता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अब 52 सालों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहरने नहीं दिया, जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया कि अगर तिरंगा झंडा मुख्यालय पे फैलाया गया तो उनके खिलाफ आप FIR करवाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ केस लिखवाने का काम करते हैं। ये कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे। प्रदीप जी बार बार जो विषय उठा रहे हैं जी, कम शब्दों में विवेक जी, आजादी का अमृत महोत्सव है, स्वतंत्रता दिवस के आसपास सब लोग खुद ही झंडा लेके घूमते हैं, अपने घरों पे लगाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। समस्या कांग्रेस की है कि मोदी जी के विरोध में कांग्रेस देश का विरोध करने लगती है जी। ये अपील मोदी जी ने कर दिया तो उसके विरोध में कांग्रेस आ गई, और जो बार बार ये कह रहे हैं साहब देश एक है, देश एक, ठीक है देश एक है, लेकिन जिस लुलुआन हालत में आपने देश को कर दिया था, चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे कहीं भी हो, आज उस स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति में देश है, और आज जम्मू कश्मीर से लेके आसाम तक में हिंदुस्तान का नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। और चाइना कहां तक घुसाया ये भी बता दीजिएगा, दे रही है चाइना की एम्बेसी में राहुल गांधी क्या कर रहे थे प्रदीप जी, ये भी बताइएगा। चाइना के एम्बेसी में राहुल गांधी क्या कर रहे थे, ये तो बताना पड़ जाएगा, उस पर अलग से चर्चा करवा लीजिए। लेडी इरविन की सिगरेट कौन सुलगाता था ये भी देश ने देखा है, कौन तलवे चाटता था, ये विषय देश के सामने है, मुझे उसको भाषा मत करवाइए। आजादी का अमृत महोत्सव है, देश पूरा उत्साह के मूड में, उस उत्साह में आप भी शामिल होइए। ये किंत परंतु एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। ठीक है हमारे समय की कमी में सभी मेहमानों से जी, अंग्रेजों से पेंशन खाने वाले आप लोग हैं, आप बात करते हैं राष्ट्रपति पवन जी, हम बात करते हैं एक लाइन में कि कौन सुलगाता था, पूरे देश के पास उसकी फोटो है प्रदीप जी, पूरी फोटो देश के सामने है पवन जी। विवेक जी सुनिए, प्रदीप जी हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय, बीजेपी के विवेक जी, आप सभी से एक निवेदन है, समस्त देशवासियों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि 15 तक तो हम लोग झंडा फहराएंगे, घर घर झंडा लगाएंगे, 16 को क्या करेंगे, उस झंडे का सम्मान बचाना है आप लोगों को। एक चीज़ इसको नोट करिएगा, जहाँ से हो सके कि उस 16 तारीख को झंडा कहाँ पड़ा रहेगा, अगर कहीं ज़मीन पर पड़ा रहेगा तो हमारे आपके हृदय को ठोस पहुँचेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ प्रदीप जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे, बीच बीच में महंगाई लेके आ रहे थे, आप शायद
डेली जो है प्राइम टीवी देखते नहीं है, संभवता नहीं देखते, शिखा जी का प्रोग्राम नहीं देखते हैं। आपकी डेली महंगाई को ही लेकर मुद्दा उठता है, एक चीज। दूसरी चीज, आप लोग धरातल पे मुद्दा उठाइए, आप जमीनी स्तर पे आ पाइए, तब आप जान पाएंगे टीवी चैनल्स क्या करना है, रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, एंकर क्या कर रहे हैं। आप लोग जमीनी स्तर पे आइए, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, तब जानेंगे। हाँ, टीवी पे बैठकर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, एंकर के ऊपर आवाज उठाने से कोई मतलब नहीं है। सुनिएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से, पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस, और नितेंद्र यादव जी सपा से जुड़े थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में एक चीज तो साफ है कि हमारे लिए सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो देश प्रेम है, भक्ति है और तिरंगा है। तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है, सभी को करना चाहिए, पक्ष विपक्ष राजनीति करता रहेगा, लेकिन राजनीति को दरकिनार करके देश प्रेम की ओर बढ़ना एक अलग ही पहचान दे रहा है देश को। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो पूरे देश के हैं। अगर कोई आग्रह कर रहे हैं, माना राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलता है, कई मुद्दे दब जाते, कई मुद्दे उठ जाते हैं, लेकिन इन सबको दरकिनार करके हम अपने देश को अलग ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, लोगों की देश के और दुनिया के नजरों में कुछ अलग कर सकते हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक साल तक पूरा ये जश्न चला और अब हम 76वें साल की तरफ है, और ऐसे में अगर हम हर घर तिरंगा लगाया जाएगा, वो भले खादी का बना हो, पॉलिस्टर का बना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सम्मान होना चाहिए तिरंगे का दिलों में, ना ही उसकी बर्बादी हो, ये ना हो कि 16 अगस्त को उसका अपमान किया जाए। हर घर में तिरंगा लगाया जाए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इंसान तिरंगा लगाए, बस यही काफी है। जरूरी नहीं कि आप अपना DP चेंज करें, किसी के कहने पर करें या ना करें, लेकिन तिरंगे का सम्मान जरूर करें। अगर आप किसी रैली में शामिल होना चाहते हो, लेकिन वहां पे शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, बस इतना ही चाहेंगे कि देश का सम्मान हो, तिरंगे का सम्मान हो, कोई भी ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।